नोएडा की ग्रैनोमिक सोसाइटी में महिला से गाली गलौच करने वाले गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी को आखिरकार योगी की पुलिस ने दबोच ही लिया। बीजेपी के नाम का इस्तेमाल कर यूपी की योगी सरकार का ही नाम खराब करने वाले श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर योगी सरकार से लेकर नोएडा पुलिस तक हर कोई सवालों के घेरे में था, लेकिन अब पुलिस ने त्यागी पर उठ रहे सभी सवालों पर लगाम लगा दी है। महिला से बदजुबानी करने वाले त्यागी को एसटीएफ की टीम ने मेरठ में उसके करीबी के घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि त्यागी खुद भंगेल से गाड़ी चलाकर मेरठ गया था। वो अपने किसी करीबी के घर में छिपा हुआ था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में थी। अब जब त्यागी पकड़ा गया है तो फिर उसका जिस किसी से भी नाम जोड़ा जा रहा था, खासकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, तो फिर उनसे श्रीकांत के साथ आई फोटो, फिर उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल किया गया तो उप मुख्यमंत्री का जवाब साफ था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि यूपी में कानून का राज चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो वो बच नहीं सकता, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सभी के लिए कानून एक समान है, फिर चाहे वो कोई भी हो। अपने दो दिवसीय काशी दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य से सर्किट हाउस में मीडिया ने सवाल जवाब किए। फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की केशव प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी की फोटो ट्वीट करने को लेकर सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, कोई फोटो खिंचा लिया होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ भाजपा का कोई संबंध नहीं है। सुनिए डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने श्रीकांत त्यागी के साथ आई फोटो पर क्या कुछ कहा। मैंने कहा ना, कोई किसी के साथ खिंचा सकता, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, कोई बुके लेके आया होगा, खिंचा लिया होगा, लेकिन इससे ऐसे किसी गलत व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता नहीं। सुना आपने, योगी तो हर मौके पर साफ करते ही रहते हैं और जिस तरह से श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे को तेजी से योगी की पुलिस ने ढूंढ निकाला है, उससे साफ है कि योगी राज में अपराधियों को कोई रियायत नहीं है। खासकर महिलाओं के साथ किए गए अपराध में तो कोई भी माफी नहीं है। श्रीकांत ने यही किया है और देखिए आज यूपी पुलिस के चंगुल में है, जो शान से खुद को बीजेपी का नेता बताकर रौब जमाया करता था। एक महिला ने सेक्टर 93B में आवासीय सोसाइटी में नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी के लगाए गए कुछ पेड़ों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद त्यागी ने महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चंद घंटों में फर्जी बीजेपी नेता बनकर रौब झाड़ने वाले श्रीकांत त्यागी की हेकड़ी निकल गई। योगी की पुलिस ने ऐसा चमकाया है कि अब कभी बीजेपी नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा श्रीकांत त्यागी। आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पहले ही हत्या के प्रयास समेत अलग अलग कई धाराओं के तहत मामले दर्ज है। वो खनन के कारोबार में संलिप्त है। करीब 10 साल पहले पाकिस्तान के नंबर से मिली धमकी के बाद भी चर्चा में आया था। इस संबंध में शिकायत के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षा भी दी थी, जिसको लेकर भी विवाद है कि आखिर श्रीकांत त्यागी को किस आधार पर सुरक्षा दी गई। अब श्रीकांत त्यागी को पता चलेगी यूपी की बीजेपी सरकार की असली खातिरदारी। बहुत बीजेपी के नेताओं का नाम इस्तेमाल कर लिया, अब और नहीं बस, अब तो योगी राज में जो अपराधियों के साथ होता है उसका स्वाद चखना होगा श्रीकांत त्यागी को। वैसे आप श्रीकांत त्यागी के अपराध पर योगी सरकार के अंकुश लगाने के इस तरीके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।